बढ़ती गर्मी में पानी की प्यास का लगना तो स्वाभाविक ही है और प्यास बुझाने के लिए ठंडे से ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। तो वहीं इस बार पंजाब की जनता में भी राजस्थानी मिट्टी से बने वाटर कूलर की मांग बढ़ रही है। मिट्टी के वाटर कूलर के पानी से जो प्यास को राहत मिलती है वो राहत फ्रिज के पानी से नहीं मिलती और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। और आजकल ज्यादातर लोग फ्रिज के पानी को छोड़कर राजस्थानी मिट्टी के वाटर कूलर का पानी पीना पसंद करते हैं। वहीं जब इस विषय में हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि घड़े या मिट्टी के वाटर कूलर में रखे पानी में कई गुण होते हैं और मिट्टी के कण पानी को फिल्टर करते हैं जिससे पानी शुद्ध रहता है। इस पानी को पीने से तेजाब और पेट की कई बीमारियों से राहत मिलती है। ये पानी दूसरे कई रोगों से लड़ने की क्षमता भी रखता है। वहीं कुम्हार कहते हैं कि यह मिट्टी के वाटर कूलर पहले दिल्ली और राजस्थान में ही मिलते थे लेकिन अब पंजाब में भी इनकी मांग बढ़ने लगी है जिस कारण यहाँ पर भी इसकी बिक्री बढ़ गई है। पहले वहाँ से बने हुए हम लेकर आते थे लेकिन अब यहाँ पर भी इनको बनाया जा रहा है। पॉट्स बने हुए आ रहे हैं ना, अर्थन पॉट्स जिन्हें हम कहते हैं, मिट्टी के पॉट्स, मटके जड़े पहले यूज़ किए जाते थे। जो अच्छी अगर मिट्टी यूज़ की जा रही है ना, तो जो अपनी मिट्टी है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी को अपने वैसे ही रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सीधा मिट्टी लेके नहीं यूज़ कर सकते, पर उसका पॉट बना के उसको रिफाइंड करके जब पॉट बनते हैं उसमें जब पानी रखा जाता है तो पानी की ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है। पुराने समय पर मुझे लग रहा है कि जो भी व्यूअर्स अपनी ये चीज़ देख रहे होंगे उनको ये रियलाइज़ होगा कि पुराने बुजुर्ग जितने भी थे उनके घरों में सब में पॉट रखा हुआ होता था। एक लंबा सा कुछ चीज़ होती थी जो हैंडल, लंबा सा हैंडल लगा होता था, उसमें से पानी अंदर से निकाल के यूज़ किया जाता था। वो पॉट की एक इम्पॉर्टेंस थी कि वो बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हेल्प करती है। ये अर्थन पॉट्स अगर हम यूज़ करने शुरू करते हैं, इसके कई बेनिफिट्स हैं। इसका पहला जो बेनिफिट्स है, जो नेचुरल मिनरल और विटामिन हैं जो अर्थ में होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने उस पॉट में आ जाते हैं, जो कि पानी की फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं, वो पानी में भी मिक्स होते हैं और वो अपनी बॉडी को भी रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड, ये जो पॉट है, जो अर्थन पॉट, जो मिट्टी के पॉट यूज़ किए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, इनमें एक नेचुरल क्वालिटी होती है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली कूलिंग इफेक्ट देते हैं। कूलिंग इफेक्ट, अगर आपका पानी पीने वाला कूल है, ठंडा है, फ्रिज वाला पानी चिल्ड हो गया, बिना उसका पानी थोड़ा गर्म हो गया, जो कि बॉडी को नहीं चाहिए, ये जो पानी इसमें मिलता है वो एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर वाला पानी होता है जो कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है। हीट स्ट्रोक का मतलब गर्मी में जब हम बहुत ज़्यादा जाते हैं तो एकदम बहुत ज़्यादा जब गर्मी लग जाती है, पानी की कमी होती है, तो जो लोग ये पानी पीते हैं उनको हीट स्ट्रोक नहीं होता। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से गला खराब होगा, ज़्यादा गर्म पानी पिया नहीं जा सकता गर्मियों में। इस अर्थन पॉट्स का जो पानी पियेंगे ना वो परफेक्ट टेम्परेचर का है जो हमें चाहिए। थर्ड, ये जो अर्थन पॉट्स है ना, ये एक पानी का पीएच मेंटेन करते हैं। पीएच का मतलब होता है, ये दो तरह का होता है, एसिडिक और अल्कलाइन में कन्वर्ट होता है। पीएच मेंटेन करने का मतलब है 7.2 टू 7.3 अगर ये मेंटेन हो रहा है तो बॉडी को वही पीएच चाहिए। अपनी जो बॉडी है, जो एसिड अंदर बॉडी के निकलता है डाइजेस्ट करने के लिए, जो खाना डाइजेस्ट करने के लिए निकलता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। व्हेन यू टेक दिस वाटर, अगर हम ये पानी पी रहे हैं तो वो एसिडिक जो है ना, एसिड जो निकल रहा है वो ऑटोमेटिकली एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएच बॉडी का मेंटेन हो जाएगा, पीएच मेंटेन होगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगी, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, उसमें से जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, एसिड उसे डैमेज नहीं करेगा। इसका मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जो होगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कि लोग कहते हैं कि हम ये खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो खाने डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हमारे गले की प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही, हम धूप में काम कर रहे हैं, अगर हमें हीट स्ट्रोक नहीं हो रहा, अगर हमारा पेट ठीक रह रहा है उस पानी को पी के, तो हाफ ऑफ द बैटल तो आपने जीत ही ली, मतलब आधी बीमारियाँ तो आप से पहले ही दूर हो जाएंगी। इस वजह से ये अर्थन पॉट्स बहुत यूजफुल हैं अगर इनको प्रॉपर ढंग से यूज किया जाए। मिट्टी के बर्तना का माहौल अच्छा था, जिस तरह प्लास्टिक के पहले वरते थे वाटर कूलर, वो बहुत बीमारियां का घर सीगा, तो हर चीज़ इन्फेक्शन हो जाती थी उसके नाल, तो मिट्टी के बर्तना जो प्योरिटी होंगी। अच्छा 30-40 साल पहले भी चले जाइए, अपने जो बजुर्ग होंगे मिट्टी के भांडिया
खाना बनाना तो कभी वो चुकाते दही भी वो जमाते होंगे सके तो मिट्टी के भांडे जिस तरह हम पानी भी रख के सब्जी के शुद्ध पानी बन जाता है। इस तरह सारी यही बेनती है होर भी जो नवी जनरेशन यूज करने हैं मिट्टी के भांडे की वरतों करो, चाहे वह वाटर कूलर है, चाहे कूडे है, चाहे घड़े है, चाहे जिस तरह भी है, चाहे झज्जर चलिए अजकल नवे मॉडल की चल पी तो जो भी वरत सकते हो चलो मतलब फिल्टर पानी मतलब कि कोई वधिया बन जाता पानी मिठा तो वधिया प्योर प्योरिटी होगी क्योंकि बीमारियां बहुत ज्यादा लगी जाती है पानी जो है फिल्टर करके पीने और मिनरल वगैरह कुछ नहीं बचते तो अजकल मार्केट बहुत वधिया आया है अल्टरनेटिव आया साढ़े को कि असी साफ पानी भी पीए तो ठंडा पानी भी पीए ये सब राजस्थान मिट्टी के बने बहुत सारे बर्तन है जो इतने सू मिलते पे हैं कि असं यूज करा तो सू बहुत सारी बीमारियों तो निजात मिलू कि डॉक्टर भी इसी चीज़ अजकल प्रेफर करी जाते हैं। मिट्टी राजस्थान की करके तो यही वाटर कूलर इन्ना वधिया है जी जी बीमारियां सारी बीमारियां घटता जी पानी का जी जिहड़े प्लास्टिक के वाटर कूलर है जी वह बीमारियां ला रहे जी तो इस इन्ने गुण है मिट्टी च अपने जी जे मान लो भी इहदा पानी पीवांगे अपने शरीर च कोई बीमारी नहीं रहिंदी जी खास करके गोडे दुखने अपने दुखते नहीं जी ठीक है जी मान लो कोई लक हो गया हाथ गोडा मोढ़ा कोई अपने शरीर च बीमारी रहिंदी नहीं जी इन्ने गुण है पानी चा जी कि यदि मेहनत पा के जी मान लो जी 50 रुपए का पीस पैंदा एक जी मेहनत डा के देख सारी जी भी सानू बिच बचता कुछ नहीं जी पर असं तो ए चलो मान लो जी सेवा ही आता तो बाजार के फिर महंगा क्यों जाके बिकता है वह है ना भी साढ़े को लैके जाते हैं जी साढ़े को ले जाके तो भी करके दो पैसे वह भी कमाते हैं जी करके जी ये मिट्टी तुम सारी कितों पर लैके आने जी हाँ मिट्टी सारी अपनी आँदी राजस्थान से जी कूलर पहले राजस्थान ज्यादा बनते थे हूँ इतने बनने हाँ जी पहले बनते ही राजस्थान से जी हूँ या मोगा शहर से बन रहे जी किन्ने कूलर रोज तुम बना दें मैं जी 50 पीस डेली तो बना देना जी 50 पीस रोज के हाँ जी लोग लैके जा रहे हाँ जी की लोगों को की कहो इन बारे भी जो पानी रख के पीते मैं लोगों को कहना चाहना जी हाँ वाटर कूलर ले जा यदा पानी पीण शरीर से कोई बीमारी नहीं रहती आप जो प्लास्टिक के वाटर कूलर लिया बिल्कुल बेकार है जी इस बहुत गुण है इस पानी जी तो बहुत ज्यादा तत्व पाए गए मिट्टी जी मोगा से तन्मय समानता की रिपोर्ट।